लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं। मैं आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूँ और वो बहुत ऊंचाई तक पहुँच गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में मैं खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वह पहली बार नए संसद में आकर दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। हमारे मन को ये ठेस पहुंची जब हमने ये बातें सुनी, क्योंकि ये सम्मान आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार ने जब नए संसद का उद्घाटन किया तो महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना वाजिब नहीं समझा और इसीलिए हमें मन को ठेस पहुंची कि ये सदन की शुरुआत पहले ही हो चुकी, लेकिन पहली बार हमने संसद के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी को देखा। पर अब यही दुख की बात है कि नए संसद में एक नई परंपरा हमको दिख रही है जो भारत की लोकतंत्र की परंपरा को अवहेलना करती हुई दिखाई दे रही है। आप पिछले ही सत्र का उदाहरण ले ले, पिछले ही सत्र में सदन में बेरोजगार सर बार बार ऐसे इस प्रकार के सदन में हमने देखा 352 राष्ट्रपति महोदया के बातों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया सर। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि पहली बार सदन को दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति महोदया साल में केवल एक बार संबोधित करती हैं और वो मौका उनको मिला। अब इसके उद्घाटन में वो आई या नहीं आई, इस तरह से वो डिबेट को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो राष्ट्रपति का इसको एक्सपेंस करना चाहिए सर। चेक कर लेंगे। किसी को बोलना है तो बोला लीजिए सर। इसी परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद जब भी उनका मन चाहे खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। और विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहे आपको तो हमको चिट्ठी भेजना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है। आज सुबह भी हमने यही देखा कि आदरणीय सांसदीय मंत्री ने एक सांसद जो आज नहीं है सदन के बाहर, उन्होंने कोई वक्तव्य रखा, उस पर उन्होंने मीडिया पर निर्धारित जो कुछ बातें आई उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी, पर उस पर हम अपना विद्रोह हम जता नहीं पाए। संसदीय मंत्री बार बार कहते हैं कि जो सदन के बाहर, आप भी कहते हैं जो सदन के बाहर कही जाती है, जो मीडिया के सूत्रों पर आधारित हमें बातें अंदर नहीं रखती, आप ही के निर्देश का उल्लंघन संसदीय मंत्री करते हैं पर उसके आपके संरक्षण में हम अपनी बात नहीं रख पाते। यही हो रहा है सर। पिछले सत्र में भी जब सदन में कुछ युवा बेरोजगार के नारे लगाते हुए सदन के अंदर घुसे और हमने बात उठाई, हमने जानने की कोशिश की केंद्र गृह मंत्री से कि ये घुसपैठ कैसे हुआ, तो केंद्र मंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके पश्चात लगभग 142 सांसदों को निलंबित किया गया सर। ये आप में भी आरोप लगा रहे हैं, ये संसद की व्यवस्था, लोकसभा की व्यवस्था, इस स्पीकर के कार्यालय का काम है, आप में भी आरोप लगा रहे हैं सर, केयर को भी नहीं छोड़ रहे हैं सर। बहुत दुख की बात है कि जहाँ पे हमने केंद्र राष्ट्रपति भाषण के विषय पर, नीतियों पे, कार्यक्रम पे बोले सर आप सर, बहुत दुख की बात है सर। आप बहुत दुख की बात है सर, आप पहले यहाँ पे सदन पे नहीं थे जब पिछले वक्तव्य बोल रहे थे। राष्ट्र आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जितना लंबा भाषण दिया उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया सर, उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया और किन किन विषयों पे दिया आप नहीं थे सर, आप मैं आशा करता आप सुनते उस समय। लेकिन हमने पिछले ही सत्र में देखा
सर हमारे संसदीय इतिहास में सबसे ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर। एक मिनट, आप भी चुप रहो। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वो सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। बोले आप, कोई दिक्कत नहीं सर। 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से, लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड, आप एक मिनट मानिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप संसद पर ही आरोप लगाएं, इस संस्था में आप बैठे हैं जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचें क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट के सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर, आप सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ, मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना। क्योंकि जब भी यहां पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस 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 जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं, संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उसके उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए, 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो, लेकिन सदन के निर्णय पर, मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप, नो उठा सकते हैं। अभी तक सर आप बताइए, 78 सर, रूल 378, समय पूरा दीजिएगा सर, 378 समय पूरा दीजिएगा सर, स्पीकर के जो डिसीजन है सर, इस हाउस के जो डिसीजन है सर, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती और कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है सर, और 378 के हिसाब से सारा एक्सप्लेन करिए सर। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया, महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, कोई आवाज़ रोका नहीं गया। तो सर मैं बस तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स
64 bills have been passed with less than 1 hour of discussion. This Lok Sabha, the current Lok Sabha, it will finish its 5 years without the position of Deputy Speaker being allocated to a member of the opposition. This 17th Lok Sabha, in the history of Lok Sabhas of India who have completed 5 years, will show the least number of sittings when it ends on February 9th. Sir, धन्यवाद सर. अध्यक्ष महोदय, मैं आप धन्यवाद. लोकसभा में ये जो सुनिश्चित योजना है और आप लोकतंत्र को खत्म करके पीठ पे भी राजतंत्र को कायम बनाना, स्पीकर के राजतंत्रों को की जो एक परंपरा यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रही है, इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है. भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में. और सर, इसमें तो ये माहिर है ये सरकार, तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है. और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट. ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए. हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए. वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो. हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है. वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो. हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है. ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं. हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं. किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या होर कर रहा है. युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं. महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं. आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है. आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है. और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए ये भ्रम का इस्तेमाल करते हैं. लोगों को एक माया जाल में फंसाकर राजा को और ताकतवर बनाने का आज ये काम ये करते हैं. सर, मैं आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं. लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है. बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं. वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक उनके कानों पर नहीं पहुंचती.